नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। खबरें तो आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उसमें कैसे देश का हित मतलब आपका हित छिपा है वो सिर्फ आप देशहित में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की 20 बड़ी खबरों के साथ। सिख दंगों पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर जंग तेज। पीएम ने कहा, तीन शब्द हुआ तो हुआ, कांग्रेस का असली चरित्र खोपड़ी में भरा है अहंकार। चंडीगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा में हंगामा, 84 दंगों के विरोध में लगे मुर्दाबाद के नारे। पित्रोदा के हुआ तो हुआ वाले बयान ने बीजेपी को दिया नया हथियार। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी बोली सिखों से मांगे माफी। सैम पित्रोदा के बयान पर दिल्ली में सिखों का प्रदर्शन, पुतला फूंका, अमृतसर में भी सिखों ने की माफी की मांग। लोकसभा के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार बंद, 7 राज्यों की 59 सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी में छठे दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी महागठबंधन में जाति पर जंग। माया ने कहा, पीएम जन्म से पिछड़े नहीं, झूठ बोलते हैं। राजीव गांधी पर INS विराट वाले आरोप पर पूर्व नेवी कमांडर में जंग तेज। एडमिरल रामदास का दावा, सरकारी था दौरा। पूर्व कमांडर वीके जेटली बोले, छुट्टियां मनाने वॉरशिप से गए थे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर गौतम गंभीर की केजरीवाल को चुनौती, कहा आरोप साबित हुए तो लगा लूंगा खुद को फांसी, नहीं हुआ तो राजनीति छोड़े केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर गौतम गंभीर का पलटवार, केजरीवाल सिसोदिया, आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस, हरभजन ने किया गंभीर का समर्थन। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी मालेना ने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की, गौतम गंभीर और बीजेपी पर पर्चे बांटने का आरोप लगाया। भोपाल में बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा की बाइक रैली, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा पीएम ने किसानों को किया नजरअंदाज। हिसार की रैली से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा राहुल की छुट्टी विदेश में और चौटाला कहीं दिखते नहीं। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी ने किया रोड शो, डिंपल यादव के साथ जया बच्चन भी हुई शामिल। बिहार के मोतिहारी में योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर दिया आतंकियों को जवाब। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता कमेटी को मिला 15 अगस्त तक का वक्त, रिपोर्ट पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही दिशा में जा रही है समझौते की प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपियां में सुरक्षा बलों ने मूसा गुट के एक आतंकी को मार गिराया। हवाई मार्ग के नियमों के उल्लंघन पर जॉर्जिया की फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट से अधिकारियों की पूछताछ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अब सिर्फ रविवार को ही पाबंदी, जम्मू कश्मीर सरकार का फैसला, पुलवामा हमले के बाद लगा था ट्रैफिक बैन। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिलेगा नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन, हाई कोर्ट का फैसला पलटा।